वेलकम टू माय चैनल क्लियर खोटा में। और आज हम देखेंगे आठंकी प्रश्न। तो आइए हम देखते हैं। ना बांट मानुष मानुष के जाते पर जाते के ना घिरा ओकरा धर्म में गढ़ा सोते। यानी ना घिरा जात को बांटने नहीं बोल रहा है और धर्म के प्रति गिराने नहीं बोल रहा है। ये कविता पताकुलीन हमीन पाठ्य पुस्तक डू डाय जीरो फूल कर एक मानुष पाठ से ले गया। और ये जो पंक्ति है यह मानुष पाठ से लिया गया है। एक लिखोया कवि प्रोफेसर दिनेश जनवानी लगातार लिखोया यानी लिखे हैं दिनेश जनवानी। ये पता है कवि मानुष के बिना भेद विचारे ना बांटे का बात कहा है। और यहाँ जात धर्म को बांटने को नहीं कहा गया है। कभी कहे खोजल हत कि मानुष मानुष सब एक है। यानी कभी बोलना चाह रहे हैं कि मानुष मानुष से सभी एक हैं। ओकर स्वाभाविक गुणों में कोई फर्क नहीं है। स्वाभाविक मतलब उनका गुणों में कोई फर्क नहीं है। कतेक कतेक मुश्किल से ई जन्म पावल है से ले। यानी कितना मुश्किल से जन्म को पाया गया है। कितने जीव जंतु के बाद मनुष्य जन्म लिया। मानुष मानुष के रहे दे ओकरा जात पर जात हिंसक धर्म के नामे नहीं बांटा। यानी मनुष्य को मनुष्य ही रहने दे। जात धर्म को करके अलग ना करे। एकर से केकरो लाभ ना किया। यानी इससे किसी का लाभ नहीं होगा। हाँ क्षणिक लाभ भले ककरो हेवे पारे मगर हुआ मानुष लिटा खत्म हो जाए और विकास एक डर मुंदा जाए। और हाँ अगर बांटा भी गया जात धर्म को तो वहाँ विकास नहीं हो सकेगा। से ले कभी ये पाठ्य सीख दे है कि मानुष रह दे तब ओकर विकास होगा। यानी मानुष मानुष को साथ में रहने बोल रहे हैं तभी विकास होगा। मानुष लागल है मानुष के बनवे में। मानुष जुटल है मानुष के मानसिक रूप देखने में। और मानुष लगा हुआ है मानुष मानुष को बनवे में। यानी आपसी में जुड़ने के लिए मानुष जुटल है। यानी जुटे हैं मानुष मानुष के रूप दिखाने अपना रूप दिखाने के लिए। खाती खाती लागिन ये दिल गेल पाता गुलिन ये मानुष पाठ से लेल गेल है। कभी दिन दिन मानी लागत ये भक्ति कभी मानुषिक धर्म कर्म कर भाव रखा रहता। ये कविता में मानुष का धर्म कर्म के बारे में बताया गया है। कभी बात खोजल हथ की मानुष कर हंसी और कांदना में कोनो फर्क नहीं कि फर्क होता है। दोनों सेम होता है। कोई भी कास्ट का या कोई भी धर्म हंसता तो उसी तरह है रोता भी तो है उसी तरह। चाहे हिंदू है या मुसलमान सिख है या क्रिश्चियन होगा सबकर हंसी कर कांदना में कोनो फर्क नहीं। यानी हंसी कांदना में कोई फर्क नहीं। हंसना रोना में कोई फर्क नहीं है। आज भौतिकवादी जो के मानुष लागल है कि मानुष की है। और आज भौतिकवादी यानी फिजिक्स फिजिकली लगे हैं कि मानुष क्या है दिखाना चाह रहे हैं। मानुष का मानसिक रूप की है। ये भाव के बतवे खातिर नानक मोहम्मद बुद्ध ईसा मार्क्स लेनिन गांधी अम्बेडकर हैन तेन लागल रहा जुटल रहत। यानी सभी को मिलके थे। ये मानुष सब आज महान है गेल हत वह नियर आज हम आज हर मानुष कर कर्तव्य होना चाहिए। और जिस तरह से जितने हमारे महान पुरुष थे सभी एक साथ थे उसी तरह मिलकर रहना चाहिए। मेटवे खतोरा अज्ञान आरकाना पतियार बायरे के ज्ञानक दिया इंजोर करके हो संसार। यानी मेटवे को यानी मिटाना है अज्ञान यानी मतलब किसी को बहलाना फुसलाना काना पतियार बायरे के ज्ञानक दिया। यानी कुछ नया करना है जो सही हो। इंजोर करे खाओ संसार यानी दुनिया को दिखाने का समय है। हाथी खाती लागिन ई दिल गेल पाता गुलिन लौतन डर पार से लेर गेल है। एकर कवि शांति भारत न छूटा पर शांति भारत लागत प्रस्तुति पंक्ति कवि तो शांति भारत के कहे के भाव है कि आदमी के अज्ञान और कना पत्यार के अपन अंदर से बाहर करके देवक चाहिए। यानी बाहर करना चाहिए वो सब अज्ञानी बात कना पत्यार बहलाना फुसलाना वो छोड़ना चाहिए। जेन या रोज सूरज उगे लौतन रंफ लय के नवा आस और विश्वास कर संगे। जिसरा डेली सूरज उगता है डूबता है उसी तरह से वह नियर तोरे अपन पूर्ण विचार अज्ञान कर काना पतियार अंधविश्वास रूपी अंधार के दिया बार के दूर करे खाओ। यानी उसी तरह अंधविश्वास को दूर करना है इंजोर करे खाओ और नवा संसार बनवे खाओ। यह भाव ये कविता लिखल गया है यानी अंधविश्वास को या फिर हर एक गंदे चीज़ या खराब चीज़ को या फिर ईर्ष्या दयालु ईर्ष्या को हटाना है। देश के आन मान देश के जवान सब देश के जवान के प्राण है किसान सब। और देश के आन मान देश के जवान सब देश के आनमान हैं जवान सब यानी जो बॉर्डर में रहते हैं आर्मी सब जो अपने देश को सुरक्षित करने में लगे रहते हैं। देश के जवान के प्राण हैं किसान सब। और देश के जवान जितने भी हैं जितने भी मनुष्य हैं उनका प्राण है किसान सब। क्योंकि अगर किसान नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हादी खादी लागिन ई दिल गल पाता गुलिन जय जवान जय किसान पाठ से लेल गेल है। इकर कवि महेश कुलवार लागत। ये पंक्ति देश कर आन मान जवान और जवान प्राण जान किसान के बतौल गेल। जवान यानी आर्मी फौजी भाई लोग के बारे बताया गया है और किसान के बारे बताया गया है। ये दो देश कर दो हाथ है यानी हाथ पहला अगर आर्मी नहीं रहते तो अपने देश को सुरक्षित नहीं कर पाते। और दूसरा किसान अगर किसान नहीं रहते तो हम लोग कुछ नहीं रहते क्योंकि जो भी खाते पीते हैं तो किसान के ही मेहनत से। अपन जान कर परवाह करल बिना देश कर सीमा पर डणायल रहा है यानी अपने जान का फिक्र भी न करके बॉर्डर में खड़ा रहते हैं। मगर जवान कर जान बचे खातिर किसान सब अनाज उगवा था। और वही बात जब भी हम बोले काहे कि बिना खाएल यानी बिना अनाज के कोई जियात नहीं बच सका है यानी बिना खाए पिए कोई नहीं रह सकते। सुना भाई बंधु और साथी बेरा रहती बाराबाती कविता खाती खाती व्याख्या करा। ये परितोष कुमार प्रजापति लिखल कविता बेरा रहती बाराबाती से ले गया है। ये कविता एगो जागरण कविता लागे यानी लोगों प्रति जागरूक बढ़ाना। एकर में कवि कहे खोजल हत कि झारखंड का राष्ट्रीयता खत्म हो रहा है। हियाँ के बोन झार सिराई रहा है यानी बोन झार जंगल कटाई हो रहा है धीरे धीरे खत्म हो रही है। भूया के हटे हियाँ कतेक खनिज लुकायल है यानी जमीन के अंदर
कितना खाने चलो है ताओ यहाँ का आदमी फिफिया चले हैं यानी बिम्बियल भूले और कुछ नहीं करते हैं, भूखे कांदे हैं यानी मेहनत नहीं करते हैं। उसने जैसे कस्तूरी खारी कूदे हैं यहाँ का अंत आदमी आए के लूट रहा है यानी यहाँ झारखंड में आके दूसरे कंट्री के या फिर दूसरे स्टेट के लोग आके कमा रहे हैं और लूट रहे हैं। से खातिर आँख फाड़ के देख ओकरा पहचान, एकर खातिर सब एक हुआ मुंडे कफने फेटा बांधा यानी अब माथा में अपना फेटा बांधो नहीं तो एका करी सब सिराई जीतो यानी कुछ थोड़ा बड़ा एक्शन लेने बोल रहे नहीं तो सारा खत्म हो जाएगा क्योंकि बाहरी अपना कैप्चर कर लेगा। सेले झारखंड कर भाई बंधु सुना आर बिहार रहती बराबती यानी समय रहते जागा यानी समय रहने रहते ही जागने बोल रहा है क्योंकि अभी लुटाया पूरा नहीं है नहीं तो पूरा लुटा जाएगा। अपन अस्मिता के बचावा और अपना हित को बचाने बोल रहा है। बड़ी देख ले बिजली घर आलो भेल दूर दूर से बाहर अपन घर दिया बारे ले आलो भेल दूर दूर से घर दिया बारे ले जखन कौड़ी कोरंज तेल खोजा ही कौड़ी कोरंज कौड़ी का तेल कोरंज का तेल खोजा ही तखन हम स्वराज के करम जाना है। खाली खाली लागिन ई देल गेल पाता गोलिन हम इनकर पाठ्य पुस्तक कर स्वराज पाठ से लेल गेल है और ये पंक्ति स्वराज पाठ से लिया गया है। एक कवि जयवीर साहू लागत ई पाता स्वराज कर मरम बतौल गया और ये पाता स्वराज के मरम बताया गया है। ये कविता कभी भारत देश की आज़ादी की स्थिति कर वर्णन है यानी आज़ादी की स्थिति आज़ादी के समय बताया गया है। आज़ादी इतना दिन बाद हो गांव देहात दूर दराज लोग दशा में कोनो सुधार नहीं है और आज़ादी के बाद भी बहुत से गांव बहुत से शहर को उतना विकसित नहीं हो सका है। विकास के नाम कते गांव उजाड़ल गया और विकास के नाम के प्रति कितना सारा गांव को उजाड़ा गया है। हे बिजली बनवे खातिर डैम बनवे पड़ल रहे बिजली बनाने के चलते डैम को बनाया गया। बिजली बनवे घर बनवल जकर से दूर दूर तक एकर राम फिंजोर देखा है मगर ओकर घर जो नजीक में है वहाँ के लोग के बिजली नहीं मिलल है और जो नदी के किनारे या डैम के किनारे जो जैसे भी जहाँ डीबीसी है डीबीसी के सामने घर है या फिर गांव है उन लोग को बिजली नहीं मिला है। ओखिन के रात के दिया बारे खातिर कौड़ी कोरंज तेल खोजे पड़े और उन लोग को लाइट जलाने के लिए कौड़ी कोरंज तेल खोजना पड़ता है। तब स्वराज का मरम बुझा है तब उस समय पता चलता है स्वराज का मरम का एक भाव है कि देश आज़ाद भेद भेल बात हूँ गाँव एक सही विकास ना है यानी इसका कहना है कि आज़ाद होने के बाद भी गांव का सही विकास नहीं हुआ है। गांव के लोग एखनो डिबरी युग में जिया है गांव के लोग अभी भी डिबरी युग में जिया है यानी दिया रहेगा तभी काम होगा। या फिर ये कविता 80 दशक कर लागे और ये कविता 80 दशक यानी 80 साल पहले 800 साल पहले तखन वह हाल रहे। हाँ अरब आप हाँ आप गांव गांव बिजली पहुँचाए काम चल रहा है और अभी गांव में बिजली पहुँचाया जा रहा है। इनियर ये कविता फिंगाठी भावे लिखल गया है। आते मातर मैया के कपिस कपिस कहो हत मैया मत रह ई गाच पर हियाँ काफित आ गेल है आंधी तूफान के डर ना हियाँ का आदमी के डर है। हादी खादी लागने दिल का गेल पता गोलिन डॉक्टर विनोद कुमार कर लिखल कविता आफत से लेल गेल है। एकर पर्यावरण से जुड़ल गाछ कटाई कर मरम के बतवल गेल है। कभी कहे के लिए से मतलब है कि साँझ होते हेते चारे छगा कपिस यानी वापस घूर के कपिस रहल हत यानी तड़पना और माए के आफते कपिस कपिस सुनने लागल है कि हियाँ काफित आ गेल है कि अब हम लोग का घोंसला उजड़ेगा पेट का कटाई होगा। आंधी तूफान का डर नहीं परंतु आदमी है यानी आंधी तूफान का डर नहीं है और आदमी का डर है क्योंकि आदमी जंगल को धीरे धीरे काट रहे हैं। कविता का एक भाव है कि गाछ का टवा लोग आयल हला और गाछ के काटे के उटा सुटा कर रहत कारक नहीं होगा काटे का उटा सुटा कर रहत यह आफत आ रहा है यानी पेड़ को काटने आ रहे हैं बस यही आफत है। ये नहीं कविता पर्यावरण सुरक्षा कर भाव लिखा गया सुरक्षा को बचाने के प्रति लिखा गया है। घी दूध दर्शन नहीं खाओ हो जुमरा घाटा और बोल रहा है कि घी दूध का दर्शन नहीं घी दूध का दर्शन नहीं होता है और खा रहे हैं जुमरा घाटा यानी मकई का लेट बहुत खातिर दिए चाहे बावा दहने पाठा यानी बहुत खातिर देना पड़ेगा अच्छा अच्छा चीज़ लेकिन मनुष्य के लिए नहीं। ये पंक्ति गुलिन भूतक डर पाठ से लेल गया है और कविता का नाम शरण विश्वकर्मा है। ये फिंगाठी बियन कविता गाँवया काना प्रत्यारे भाव के राखल हाथ यानी गाँव के जो भी अंधविश्वास को मानते हैं और करवाते हैं उसके प्रति रखा गया है। कभी कहो हत कि गांव के लोग के खाए खातिर घी और दूध तो मिले ना पेटे पर से खातिर जोंडा घाटा खा हत यानी गांव को गांव के लोगों को घी दूध तो मिलता नहीं है और जोंडा घाटा खाता है। जोंडा घाटा कौन कौन जानते हैं कमेंट करेंगे। इतना कि साली पूरे पर ओकरा खातिर पाठा दिए पड़ो है यानी जब कोई चीज़ पूजा करते हैं तो समय दिया जाता है। आशा है कि गाँव की जिंदा भूतक डर इतना भीतर तक गड़ा गया है कि ओकरा पूर्वे का उतर सुतर उपाय कर पड़ो है यानी भूत का डर इतना समा गया है आदमी के पास कि उनके लिए कुछ भी कर जाते हैं। ओकरा डर इतना ई कि नहीं कि दिले भूत हमारा खाती करत यानी कुछ नुकसान करेंगे अगर कुछ नहीं देंगे तो अपने भूत को बल बीमार है बाप छुआ पुता घरों डांगर कोनों पर खाती हानि कर सको है यानी अपने पे अपने बाल बच्चा पे या फिर गाय बैल में नुकसान होगा इसलिए वो लोग ऐसा करता है डर के मारे। भाई भाई लड़ जाही ककर कुट चाली कोई मजा खूब लूटे दे दे के ताली ठीक ही बोल रहा है। भाई भाई जब लड़ते हैं तो कोई
दूसरा फायदा उठाते हैं। ये पंक्ति गुला छीन लेलक थारी पाठ से लेल गेल है, एकर कवि प्रदीप कुमार दीपक हथ, यहाँ कवि कुछ चालीस षड्यंत्र भाव के राखल हत। यहाँ जो भी गाँव देहात में बहलाते फुसलाते हैं, भाई भाई को लड़ाते हैं या फिर फैमिली को लड़ाते हैं, तो उनके बारे है। कभी कहे खोजल कि बहरिया सब यहाँ के लोग के कुछ चैल चैल के भाई भाई के लड़ाई दे हत और अपन काम लाभ निकाल ले हत। तो भाई भाई को लड़ा के अपना काम निकाल लेते हैं, चैल के भाई लड़ाई दे हत और अपन लड़ल बादे थाना पुलिस केस मुकदमा कोर्ट कचहरी हो जाए, और लड़ने के बाद थाना पुलिस हो जाता है और कोर्ट कचहरी हो जाता है, तखन बढ़ा विकास रुक जाए और आगे का विकास रुक जाता है, क्योंकि थाना पुलिस में खर्चा होता है। ये स्थिति देख के मजा लूटो हत और ताली मार मार के खुश है जो लड़ाएँ बेफालतू में और थाना पुलिस हुआ है। हियाँ का आशा है कि हम इनके कोई कुट चाल के समझ बुझे चाहिए और चेतक चाहिए, नहीं तो हियाँ के लोग बिकाए जाते। और इस तरह से हो रहा है हमारे झारखंड में, तो इस तरह की बातों को पकड़ना चाहिए, नहीं तो हमारा जितने भी झारखंड के लोग हैं बिकाए जाएंगे, पैसे से काम करने लगेंगे।